हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूट्यूब साहिली चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं कौन सी ऐसी टिप्स हैं जिनको फॉलो करने से आपका कंसीव करने का सफर बहुत छोटा बहुत सरल हो सकता है। तो आइए देखते हैं कि आज से आपको क्या चीजें फॉलो करनी है। सबसे पहले आप प्रीनेटल विटामिन्स लेना स्टार्ट कर दें, क्योंकि विटामिन्स और मिनरल्स की जितनी जरूरत होती है हमारे बॉडी को, हमारी डाइट से वो शायद पूरा नहीं हो पाता, तो हमें अलग से उन्हें सप्लीमेंट के फॉर्म में लेना चाहिए। आप कोई भी मेडिकेशन अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर की सलाह से स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात, कई ऐसी आदतें हैं जो कि शायद आपको भी हैं लेकिन गर्भधारण के लिए वो बिल्कुल गलत है, उससे आप बहुत लंबे समय तक भी कंसीव नहीं कर पाएंगे। जैसे कि मेल फीमेल किसी का भी स्मोक करना, अल्कोहल लेना, किसी भी तरह की ड्रग्स मेडिसिन, जैसे कई महिलाओं को बार बार हेडेक होता है, कईयों को बार बार एसिडिटी होती है, तो उन सब के लिए वो मेडिकेशन लेते रहते हैं। हर थोड़े थोड़े दिन पर उनको प्रॉब्लम होती है और उसके लिए वो उसको सप्रेस करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए मेडिकेशन लेते हैं। तो किसी भी तरह का मेडिकेशन ले रहे हैं तो उसे आपको बंद करना होगा, क्योंकि फर्टिलिटी पे कई तरह की मेडिसिन का निगेटिव इफेक्ट होता है और जब आप उन मेडिकेशन को बंद करेंगे तब ही आपका शरीर गर्भधारण के लिए पूरी तरह से तैयार होगा और आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी होगी और पूरे 9 महीने तक सुरक्षित रहेगी। तीसरी बात कि गर्भधारण करना है तो सबसे पहले अपने आहार को देखिए। आप नाश्ते में क्या खा रहे हैं, कहीं आप सुबह उठते ही चाय तो नहीं पी रहे? आपको कैफीन से बचना है, हेल्दी डाइट लेनी है जिसमें कि दूध और दूध से बनी चीजें, टोटल मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स 500 ml आपको यूज करना है। इसके अलावा साबुत अनाज, कई तरह के अनाज होते हैं, मोटे अनाज होते हैं जो आपकी लोकेलिटी में मिलते हैं, आपके शहर में मिलते हैं, आपके गांव में खाए जाते हैं, उसको आप इस्तेमाल करें, क्योंकि केवल एक अनाज पर डिपेंड रहने से हमें बहुत सारा न्यूट्रिशन नहीं मिलता। साबुत अनाज हमारे यूट्रस के लिए बहुत अच्छे होते हैं, इसलिए साबुत अनाजों का इस्तेमाल करें। उनमें विटामिन ई भी पाया जाता है जो फर्टिलिटी को बढ़ाता है। साबुत अनाज, दूध, दही, हरे पत्तेदार सब्जियां, फल, सभी चीजें आपकी डाइट में होनी चाहिए। ये छोटे छोटे बीज जो होते हैं जैसे कद्दू के बीज, तिल के बीज, सूर्यमुखी के बीज, इनको भी अपनी डाइट में शामिल करें। अगर आप तक ड्राई फ्रूट्स नहीं ले रहे थे तो एलमंड्स और वॉलनट्स को अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। इससे आपको हेल्दी फैट और प्रोटीन मिलेगा जो आपके अंडों की गुणवत्ता को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा। चौथी जरूरी बात, गर्भधारण करना है तो पीरियड का रेगुलर होना बहुत जरूरी है। पीरियड का रेगुलर होना 50% प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देता है। मोस्ट ऑफ वुमन में रेगुलर पीरियड में नियमित ओव्यूलेशन होता ही है, तो अगर ओव्यूलेशन हो रहा है तो गर्भधारण बहुत सरल हो जाएगा। नियमित पीरियड में गर्भधारण करने की रेट बहुत अच्छी है। ओव्यूलेशन नियमित है तो कम से कम आप 6 से 8 महीने प्रयास करें, डेफिनेटली कंसीव हो जाएगा। अगर पीरियड्स रेगुलर नहीं है तो आप मेरे उन वीडियोस को देखें जिसमें कि पीरियड रेगुलर करने के लिए इंस्टेंट तरीके, होम रेमेडीज, सिरप, एक्सरसाइज, डाइट चीजें बताई हैं। उन वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, या फिर आप YouTube पर YouTube सहेली पीरियड प्रॉब्लम वीडियोस को सर्च कर सकते हैं। अगली महत्वपूर्ण बात, गर्भधारण करना है उसके लिए आपके ओवेरीज, आपका यूट्रस, पुरुषों में स्पर्म क्वालिटी का बेस्ट होना बहुत जरूरी है। तो अपने शारीरिक अंगों को हेल्दी रखने के लिए आपको एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। हर दिन 15 से 20 मिनट हर कोई निकाल सकता है अपने लिए। एक्सरसाइज जरूर करें, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा, लीवर फंक्शन इंप्रूव होगा, ब्रेन फंक्शन इंप्रूव होगा। ब्रेन फंक्शन इंप्रूव होने से हार्मोन बैलेंस रहेंगे, हार्मोन बैलेंस रहने से ओव्यूलेशन समय से होगा, इम्प्लांटेशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप बहुत जल्दी कंसीव कर सकते हैं। इसलिए एक्सरसाइज के महत्व को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। आप ये ना सोचें कि हम ट्रीटमेंट ले रहे हैं, मेडिकेशन ले रहे हैं, बहुत आसानी से हो जाएगा। एक्सरसाइज भी इस जर्नी का एक इंटीग्रल पार्ट है। और सबसे जरूरी बात कि ओव्यूलेशन के समय पर संपर्क रखें। एक महिला के शरीर में स्पर्म्स 3 से 4 दिन तक जीवित रहते हैं, तो आप हर दूसरे दिन अगर संपर्क में रहते हैं पीरियड के बाद से लगाकर अगला पीरियड आने के 1 हफ्ते पहले तक, इस बीच के 10-12 दिन के बीच अल्टरनेट डेज अगर आप कांटेक्ट रखते हैं तो गर्भधारण की संभावना मैक्सिमम होती है, क्योंकि इसी समय महिला में ओव्यूलेशन होता है। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ महत्वपूर्ण और प्रमुख बातें जो गर्भधारण सरलता से होने के लिए बहुत जरूरी है और ये कंपल्सरी है, आपको इसे करना चाहिए अगर आप गर्भधारण करना चाहते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, साथ ही प्रेगनेंसी केयर टिप्स के लिए आप मुझे यूट्यूब मॉम चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय।